किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के लिए पीएफ काफी महत्वपूर्ण जमा पूंजी होती है, जो कर्मचारी अपने रिटायरमेंट पर या फिर जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट में जमा हुए पैसे को आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आपका आधार नंबर आपके यूएएन नंबर से लिंक होना जरूरी है। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड को जमा करने और निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाला अकाउंट नंबर है। कर्मचारी को मिलने वाले मंथली सैलरी में से कुछ राशि प्रोविडेंट फंड के तौर पर जमा की जाती है। यूएएन को सबसे पहले अपने ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट होने के 6 घंटे बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं या फिर अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए टिप्स। सबसे पहले ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर अपने यूएएन और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। इसके बाद आपको वेरीफाई केवाईसी डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना होगा। ऊपर के मेन्यू बार में जाकर आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप क्लेम सेलेक्ट करें। क्लेम सेलेक्ट करने के लिए 3 तरह के फॉर्म 31, 19 और 10C में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर मेंबर डिटेल दिखाई देगी। यहां जाकर बैंक अकाउंट के आखिरी के 4 डिजिट को दर्ज करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर क्लिक करके आगे जाना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन निकासी के लिए क्लेम करेंगे, आपको 3 तरह के विकल्प दिखाई देंगे। सबसे पहला विकल्प फॉर्म 19 का दिखाई देगा, जिसके तहत आप केवल पीएफ की निकासी कर सकते हैं। इस फॉर्म के तहत आप कुल पीएफ अमाउंट की निकासी कर सकते हैं। इस फॉर्म को फाइनल सेटलमेंट फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरा विकल्प फॉर्म 10C का दिखाई देगा। इस विकल्प में आप केवल पेंशन की निकासी कर सकते हैं। तीसरा विकल्प फॉर्म 31 दिखाई देगा। इस विकल्प में आप पार्शियल निकासी या आंशिक निकासी कर सकते हैं। इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर आपको प्रोसीड ऑनलाइन क्लेम को सबमिट करना होगा। इसके बाद ईपीएफओ आपके केवाईसी नो योर कस्टमर डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके पीएफ क्लेम को प्रोसेस करेगा। इस प्रक्रिया में 10 दिन का समय लग सकता है। अप्रूवल होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पीएफ की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अमर उजाला.com